हाँ जी, राम राम जी। आप सभी के लिए गुड न्यूज़ ये आ रही है दोस्तों कि हरियाणा में 30 से 50,000 नौकरियां आने वाले 95-90 दिन के अंदर है वो कंप्लीट की जा सकती है या निकल सकती है, नई वैकेंसियां आ सकती है, नया सीईटी भी हो सकता है। मैंने 3 या 4 दिन पहले 5 दिन पहले वीडियो बनाई थी एचएसएससी गुड न्यूज़, 30 से 50,000 नौकरियां। मैंने इस वीडियो में बताया था कि क्यों 30 से 50,000 नौकरियां हरियाणा में आने की संभावना है, क्या आधार है उनका। दोस्तों आज इसी को रिलेट करके एक न्यूज और भी आ गई है। न्यूज क्या, वो होना ही था आज, वो फाइनल वो दिन आपका आ गया है कि जो सीईटी के ऊपर कोर्ट केस चल रहे थे, जिनके ऊपर सारे के सारी भर्तियां वो लटक गई थी, वो अटक गई थी, प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा था, आज वो दिन आ गया दोस्तों कि आज आपका सीईटी में 5 नंबर का मामला है, टीजीटी भर्ती का मामला है, 56-57 का मामला है, या अन्य जो चीजें आपकी रुकी हुई थी कोर्ट केस की वजह से, वो प्रोसेस अब आगे बढ़ सकता है। आज आपका फैसला सुनाया जाएगा, हो सकता है 1 घंटे में, हो सकता है 2 घंटे में, हो सकता है शाम के 4-5 बजे तक, लेकिन आज आपको जो रिजर्व रख लिया था फैसला, वो आज आप सभी के सामने आएगा कि भाई सरकार को क्या करना है और एचएसएससी को क्या करना है, किस एंगल से भर्तियां आगे बढ़ानी है, भर्तियों का प्रोसेस कैसे आगे बढ़ेगा। आज जज साहब इसके ऊपर अपनी स्टेटमेंट देने वाले हैं, अपना फैसला देने वाले हैं। तो आज 31 तारीख है, आज रिजर्व फैसले को जो देने की डेट है वो आ चुकी है। आज फैसला आ जाता है दोस्तों तो जून के अंदर भी एचएसएससी काम कर पाएगा और जुलाई के अंदर भी, अगस्त के अंदर भी। आज यदि फैसला नहीं आता है तो जून की आपकी छुट्टियां हैं गर्मियों की, बहुत ज्यादा जरूरी केस इस दौरान सुने जाएंगे, नॉर्मल केस है वो नहीं सुने जाएंगे, तो कहीं ना कहीं 1 महीना लेट चला जाता मामला। इसलिए आज अच्छी न्यूज ये है, गुड न्यूज ये है कि आज आपका फैसला सुनाया जाएगा, पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है, तो जो भी साथी तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने किताबें अपनी अलमारी के अंदर सजा के रख दी थी, जिन्होंने लाइब्रेरियों से अपना नाता तोड़ लिया था, जिन्होंने अपनी किताबों से मोहब्बत करनी छोड़ दी थी, वो अपनी किताबें, वो अपनी लाइब्रेरी दोबारा से उन चीजों से प्यार कर लो दोस्तों, क्योंकि जो भी आएगा आज से 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद, जो आपका रिजल्ट आएगा वो अब आप क्या कर रहे हो इनके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे मैंने एक वीडियो और भी डाली थी आज से 6 दिन पहले, सरकारी नौकरी कौन कौन लगेगा। मैंने इस वीडियो के अंदर बताया था दोस्तों कि सरकारी नौकरी कौन लगेगा, सरकारी नौकरी वो लगेगा दोस्तों जो आज के दिन भी पढ़ाई कर रहा है। इस नेगेटिव माहौल में भी जो बच्चा पढ़ाई कर रहा था ना, वो सरकारी नौकरी लगेगा। और जो इस समय ये सोच चुका था कि हरियाणा सरकार कुछ नहीं करने वाली, नौकरियों में कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, अब क्या होगा, इन चीजों को सोच के अपनी किताबें छोड़ चुका था, लाइब्रेरी छोड़ चुका था और अपना मोबाइल में टाइम पास करने लग गया था, वो बच्चा सरकारी नौकरी नहीं लगा, सरकारी नौकरी वो लगेगा जो आज भी इस नेगेटिव माहौल के दौरान भी बच्चा पढ़ाई कर रहा था। आज भी कह रहा हूं दोस्तों, पढ़ाई स्टार्ट कर दो, 95 दिन 90 दिन है सरकार के पास, इन 90 दिनों के अंदर बहुत कुछ बदलने वाला है। जो ये नौकरियों का मामला है, जो रोजगार का मामला हरियाणा में नीचे गिर चुका था, वो मामला उठेगा, 100% उठेगा, ये आप लिख के ले लो। आप लोगों में से नौकरियां भी लगेंगे लोग, आप लोगों में से नौकरियां भी लगेंगे लोग, इस बात का ध्यान कर लेना। ठीक है, तो आज फैसला आने वाला है सीईटी के ऊपर, जो कोर्ट केस चल रहे थे, टीजीटी का जो मामला है, 5 नंबर का मामला है, 56-57 का मामला है, बहुत सारे मामले सुलझने की आज संभावना है। आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, गुड न्यूज मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और सीईटी का हम जबरदस्त कंटेंट वाला बैच बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर, बहुत जल्दी अनाउंस करने वाले हैं। आपका मन करे तो आप कमेंट में अपना सजेशन, अपनी राय, अपनी जो विश है वो लिख सकते हैं। धन्यवाद। और जो फैसला आएगा वो आपको समय रहते सुना दिया जाएगा, घंटे में, 2 घंटे में, 5 घंटे में, जब भी फैसला आएगा आपको सही से समझ, मतलब पूरा तरीके से समझा दिया जाएगा। ठीक है।